हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारे से ये डिज़ाइन बनते हैं। आप इसको स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 8-8 के मल्टीपल लिए हैं। पहले जो है हम 7 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे। 7 फंदे बनाने के बाद 1 रेड, 7 ब्लैक, पहली जो है हमारी रो इसी तरह से बनेगी। 7 ब्लैक, 1 रेड, फिर 7 ब्लैक, एक रेड, और बाकी के साथ भी हम रेड बना लेंगे। ये हमारी पहली रो है। सेकेंड रो, अब हम इसमें पहले जो हमने एक रेड बनाया था इसके लेफ्ट और राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में 3 फंदे अब हम यहाँ पर रेड बुनेंगे। बाकी के ब्लैक, यहाँ पर भी 3 रेड, बीच वाला रेड ही रहेगा इसके, एक लेफ्ट में और एक राइट में रेड बनेगा। बाकी के फंदे ब्लैक, 3 रेड, और बाकी के हम ब्लैक बुन लेंगे। नेक्स्ट रो, पहले हमने एक रेड बुना, फिर हमने 3 बुने, अब हम 5 रेड बुनेंगे। 2 3 4 5, एक लेफ्ट में और एक राइट में इंक्रीज होगा इसमें रेड। बाकी 3 ब्लैक, लेफ्ट और राइट में रेड इंक्रीज होगा। 1 2 3 4 5, और बाकी के ब्लैक फंदे ब्लैक। नेक्स्ट रो, इसमें भी हम 5 जो हमने पहले रेड बुने यही फंदे हम रेड बुनेंगे। 5 ये हमने 5 रेड बुने, और 3 ब्लैक, फिर 5 रेड, 3 ब्लैक, फिर 5 रेड, और बाकी के ब्लैक। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो, 2 रो इसमें सेम ही रिपीट होगी। अब हम यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में ब्लैक बनाएंगे। एक बीच का ग्रीन, बाकी के ब्लैक। 5 जो रेड है इसमें 2 ब्लैक बनेंगे, 2 फ्रंट के ब्लैक, फिर एक ग्रीन, और लास्ट के 2 ब्लैक, और बाकी के जो बीच में फंदे हैं ये भी ब्लैक बनेंगे। रेड में 2 पहले वाले ब्लैक और एक बीच का ग्रीन, बाकी के फंदे पूरे के पूरे ब्लैक। नेक्स्ट रो, पहले हमने एक फंदा ग्रीन बुना था, अब हम एक स्टेप इससे आगे को ग्रीन बुनेंगे। जो पहला ग्रीन था इसको ब्लैक बुनेंगे, फिर एक ग्रीन, बाकी के फंदे ब्लैक, धागे को हम साथ में आगे लेकर के जाएंगे। ग्रीन से पहले ग्रीन, फिर ग्रीन वाला ब्लैक, फिर एक ग्रीन, बाकी के ब्लैक, फिर ग्रीन से पहले वाला ब्लैक ग्रीन, फिर ग्रीन वाला ब्लैक, फिर ग्रीन, और बाकी के फंदे पूरे ब्लैक। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो, पहले जहाँ पे हमने ग्रीन फंदा बुना था उससे एक स्टेप आगे एक ग्रीन, 3 बीच के जो है ब्लैक, फिर एक ग्रीन, बाकी के ब्लैक। जहाँ हमने पहले ग्रीन बुना था उससे एक स्टेप पहले ग्रीन, 3 ब्लैक, सेकंड जो ग्रीन था उसके एक स्टेप आगे ग्रीन, पहले मैं एक स्टेप पहले, यहाँ पे भी एक ग्रीन, 3 ब्लैक,
एक ग्रीन और बाकी के ब्लैक। इसी के साथ ही हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसमें हम एक दो ब्लैक रो बुनने के बाद ये इस तरह से बनेगा। आप इसको बच्चों की स्वेटर में, चाहे आप इसको खुद की कार्डिगन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।